अंततः खैरागढ़ रियासत के दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की पत्नी की मांग को छत्तीसगढ़ सरकार ने मान लिया है और दशहरे से पूर्व उनके पति देवव्रत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। खैरागढ़ रियासत के राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा अनावरण के विवादित मामले को सरकार ने सुलझा दिया है। दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने मौजूदा सरकार से उनकी प्रतिमा की अनावरण की मांग की थी। अंततः सरकार ने उनकी मांग को मान लिया और दशहरा के पहले स्वर्गीय देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सांसद संतोष पांडे एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विभा सिंह ने इस बात की खुशी जताई कि उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया। साथ ही उनकी बातों को महत्व देते हुए मौजूदा सरकार के द्वारा स्वर्गीय देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। मैं विभा सिंह, वाइफ ऑफ लेट राजा देवव्रत सिंह, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी अपने क्षेत्रवासियों को और सभी को खैरागढ़ विधानसभा का, जहाँ से मेरे पति स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी विधायक रहे, सांसद रहे, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज जो मौजूदा सरकार के द्वारा दशहरे से पहले क्षेत्रवासियों के मांगने के अनुसार कि दशहरे से पहले अनावरण कर दिया जाए, तो वो मांग उनकी पूरी हुई और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि शासन प्रशासन ने मुझे सम्मान के साथ आमंत्रण दिया और बुलाया गया, जैसा कि पहले मेरे साथ इग्नोरेंस होता आया था। और मैं मौजूदा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।